देश भर में कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में 4041 नए मामले सामने आए हैं और 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पिछले लगभग 3 महीने में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही दिन में 4000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान देश में कोरोना के एक्टिव केस भी बढ़े हैं और ये संख्या अब 21,177 पहुंच चुकी है। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 4041 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या 4,31,68,585 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक भारत में संक्रमण से 10 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,24,651 हो गई है। देश में कोविड-19 के इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर अब 21,177 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.05% है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.74% है। देश में अभी तक कुल 4,26,22,757 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और कोविड-19 से मृत्यु दर 1.22% है। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीके की 193.83 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। गौरतलब है कि देश में 7 अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे। देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले 1 करोड़ से अधिक हो गए थे। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।